शांति और फैलाई जाती है कि वक्फ बोर्ड वाले या वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो उसकी हो जाती है। ये भी भ्रांति फैलाई जाती है कि बहुत सारे हिंदुओं की ज़मीन उसने हड़प ली, मंदिरों की ज़मीन हड़प ली। देखिए, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से इस भ्रांति को क्लियर करना चाहता हूँ। दफ़ा 37 है वक्फ एक्ट की, 1995 की। वक्फ एक्ट बना 1954 पे, उसमें 12वां अमेंडमेंट हुए 1995 की। जो वक्फ एक्ट है उसकी दफ़ा 37 के मुताबिक क्या है वक्फ को प्रॉपर्टी करने का तरीका, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह झूठ फैलाया गया। ये कि हम एक अपने पूरे समाज की, जो हमारा 85% समाज बनता है और सबसे बड़ा बहुजन समाज हमारा ही है, जिसमें हमारे दलित भाई हैं, जिसमें हमारे छोटे समाज के ओबीसी भाई हैं, जिसमें हमारे शूल ट्राइब भाई हैं, जिसमें हमारे आदिवासी भाई हैं, जिसमें हमारे माइनॉरिटी के मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, तो हम उनकी आवाज़ को, जैसे आपके सामने बताई गई कि हमारी 5-7 डिमांडें हैं, मेन डिमांडें हमारी वक्फ बोर्ड की है, और जैसे जैसे जो जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, हम उन नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए 1 दिसंबर को डॉक्टर उदित राज की अध्यक्षता में पूरे नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी महारैली करने वाले हैं। उसी सिलसिले में आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि हमारी बात को अच्छी तरह से एक मास मीडिया में आगे तक पहुँचाएँ, जो लोगों के बीच में भ्रम है उस भ्रम को आपके द्वारा दूर हो और ये जो चीज़ें हैं सही धरातल पे आए। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, और जो जुल्म हो रहा है, जो हमारे ऊपर, जो आज की डेट में धर्म की आज़ादी नहीं रहेगी, हर धर्म को बराबर आज़ादी मिलने का हक है, वो अपने अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से खाए, अपने हिसाब से प्रार्थना करे, अपने हिसाब से पहने, लेकिन ये जो आज का समाज है, जो आज की गवर्नमेंट है, वो एक एक करके हमारे गला घोटने का काम कर रही है। वक्फ बोर्ड उसमें से एक पहलू है। हमारे आदिवासियों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे ओबीसी समाज को दबाया जा रहा है, तो इसलिए डोमा परिसंघ शक्ल में आया है और डोमा परिसंघ इसको बड़े बहुत तेज़ी से, बहुत मजबूती से 1 दिसंबर को अपनी आवाज़ उठाएगा। आप इसकी पूरी प्रचार कीजिए और आप हमारा साथ दीजिए कि जो जो भ्रांति है वो दूर हो और इसको आगे लिया। आप कह रहे हैं कि संविधान बचाया जाएगा, संविधान तो सही है, सेफ है, सरकार चल रही है आराम से, लोकतंत्र चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। देखो, जो लोकतंत्र है वो संविधान के अनुसार ही है, और देश की सरकारें और नुमाइंदे जितने भी चुनकर तो संविधान के अनुसार आते हैं, और इस देश की संसद में आकर के उसी संविधान की शपथ लेते हैं, और उसके बाद संविधान को ख़त्म करने की साजिश भी ये लोग रचते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने 400 पार का नारा दिया, और 400 पार का नारा धाराशाही क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने पूरा प्लान किया था कि इस संविधान को बदलना है। अफसोस है इस देश की सरकारों का कि संविधान के अनुसार तो चुनाव जीत करके इस देश की संसद में पहुंचते हैं, और इस संसद में ही चुनाव को ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो वक्फ बोर्ड ख़त्म करने का ही है। संविधानिक संस्था को संविधान ख़त्म करके ही उसको ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। आरक्षण जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, निजीकरण क्यों ले आया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा क्यों लेके आए हैं सब, ये क्या कारण है इन लोगों को लाने का, निजीकरण को, सरकार की संस्थाओं को बेचने का, उन संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में जो कमी आई है, उस कमी को लाने का कारण तो सरकार की साजिश ही है। आरक्षण, जब आपके पास नौकरियाँ नहीं होंगी, आरक्षण के अनुरूप आप सुविधा दे ही नहीं पाएंगे, तो आरक्षण ख़त्म करने का तरीका तो है, और आरक्षण ख़त्म करना संविधान के अगेंस्ट है। जब इस देश के दबे कुचले लोग आरक्षण के आधार पर आगे नहीं आएंगे, देश की तरक्की में हाथ नहीं बढ़ा पाएंगे, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, देश के व्यापार में, देश की भूमि में, देश की शिक्षा में या देश के कारोबार में जब पूरा सा हिस्सा नहीं मिलेगा इस देश के बहुजनों को, तो उस देश का संविधान कैसे लागू हुआ, ये संविधान खुद समय बताता है कि किस तरीके से आरक्षण लागू किया जाए, और जहां आरक्षण की ज़्यादा व्यवस्था हो वहां आरक्षण की ज़्यादा व्यवस्था भी की जाए। 9वीं अनुसूची में डाल के 50% की कैपिंग को दूर किया जा सकता है, और इसी आधार पर जो है हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी उठाया कि हमारे जो दलित जो भाई हैं उन्होंने सहाय देखा है कि आज अगर मुस्लिम भाइयों का हमने साथ नहीं दिया तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है, कि हमारा तो पूरा का पूरा गुलामी की तरफ ले आने का पूरा इनका प्लान है, इस संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लाने का जो इनका प्लान बन रहा है इस देश की सरकारों का, आज की रिश्ते सरकारों का, जिस तरीके से देश की सरकारें राज्य सरकारों को ख़त्म किया जा रहा है, उनको खरीद फरोख्त की जा रही है, देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये देश की संविधान की आत्मा के खिलाफ है। लेकिन सर, 131 SC ST के सांसद हैं, चुने जाते हैं बाबा साहब के कोटे के दम पर, 4000 विधायक हैं पूरे देश में,
वो क्यों नहीं बचा रहे संविधान को? आप कैसे बचाओगे इतने आंदोलन करने से संविधान को? देखिए, आपको संविधान की जानकारी होगी कि जो सांसद जिस पार्टी से चुनकर आता है वो उसका व्हिप का गुलाम होता है। देश की जो भी पार्टी है जिसके सांसद होते हैं वो पार्लियामेंट में किसी भी कोई भी बिल इशू होता है या कोई मुद्दा अगर पार्लियामेंट में आता है तो पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, और उस व्हिप के खिलाफ जाने का मतलब है कि आपकी पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म हो सकती है या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। तो यही बात तो बाबा साहब ने कही थी, जो डबल इलेक्ट्रोल की बात जो की गई थी, जो पूना पैक्ट में जो मना किया था बाबा साहब को, जो इस वक्त क्यों रोए थे, वो इसलिए रोए थे कि जो चुन के जाएगा सांसद आरक्षण के आधार पर, दलितों का जो नेता बन करके जाएगा वो पार्टी को गुलाम होगा। तो जो 122 सांसद आप जो बताना चाह रहे हैं, वो 131 वो सांसद इकट्ठे नहीं हैं, वो सांसद विभिन्न पार्टी चुन करके आए हैं और वो विभिन्न पार्टियों के गुलाम हैं, उनकी व्हिप के गुलाम हैं, क्योंकि उनके व्हिप के आधार खिलाफ वो एक भी शब्द पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हैं और ना ही पार्टियाँ उनको बोलने का कोई मौका देती है। डॉक्टर रुद्रराज जी ने ये चैलेंज लिया था जब वो सांसद थे, तो खुद पर्सनल भी लेकर के प्राइवेट भी लेकर के पार्लियामेंट में खड़े हुए थे, खुद उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ रैलियां की थी, सरकार के खिलाफ निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सरकार के आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो आरक्षण खत्म करने जा रहे थे, और उनका खामियाजा ये हुआ कि उनको भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो जो सांसद जिस पार्टी के खिलाफ चाहता है, जो सांसद जिस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप बात नहीं करता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो जो सांसद चुन के आए हुए हैं पार्लियामेंट में, अगर उनको बाहर का रास्ता देखना होगा तो भी तो बोलेंगे, लेकिन लोग अपने इस सुख सुविधा और सांसदी के चक्कर में पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोलते हैं और ना ही वो बोल पाएंगे। 24 सांसद इस टाइम जो देश में मुस्लिम है, जो वो आपने इन्वाइट करे एक दो उनमें से वक्फ बोर्ड के मामले? देखिए, आपको हम बता दें कि ये जो लड़ाई है ये दलितों मुजलिमों की वंचितों की है, और जो हमारे जो शोषित मुस्लिम समाज है उनकी लड़ाई है। उन लोगों ने इकट्ठा होकर के ये दोमा परिसंघ बनाया है, दलित ओबीसी माइनॉरिटी और आदिवासी परिसंघ, ये उन लोगों का संगठन है जो दबे कुचले हैं, नेताओं का संगठन नहीं है, ये आम आदमी का संगठन है। आम लोगों ने मिलकर के अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एकजुट हुए हैं। हम मुस्लिमों की बात करेंगे, उनके वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, मुस्लिम भाई हमारे आरक्षण की बात करेंगे, और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जो आदिवासियों की हम बात करेंगे, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम लोग आगे आए हैं। अगर आज मुस्लिम अपने वक्फ बोर्ड की बात करता है तो ये सिस्टम, ये सरकारें हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देखो मुस्लिम अपने हक के लिए क्या कह रहा है, मुस्लिम इस देश में राज करना चाहता है। हम मुस्लिम भाइयों की बात करेंगे, दलित भाई बात करेंगे मुस्लिमों के हक के लिए, ऐसे ही हमारा मुस्लिम भाई दलितों के आरक्षण के लिए बात करेगा, और जब वो बात हमारे लिए करेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी, और जैसे हम दलित भाई या मुस्लिम भाइयों की बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। ऐसे हम आदिवासियों के बारे में बात करेंगे, ऐसे हम ओबीसी के बारे में बात करेंगे। ये मुद्दा हम एक दूसरे का मुद्दा लेकर के हम एकजुट होकर के ये डोमा परिसंघ बना करके रैली करने जा रहे हैं। ये नेताओं का संघ नहीं है, ये एक आम वंचित लोगों का समूह है। फिर भी पब्लिक को पहुंचाने के लिए आप लोगों ने रामलीला मैदान में क्या व्यवस्था की है, कहीं से बसें आएंगी या कहीं से कैसे दिया? देखिए, वो हमारा पूरी की पूरी पॉलिसी हमारी रणनीति बन चुकी है, वो हम प्रेस में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे आपको हैरानगी होगी, वहाँ पर जो हुजूम आएगा रामलीला मैदान भरने का, पूरे देश के लोग यहाँ पर इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं, और सभी धर्म सभी जातियाँ सभी वर्ग जो भी यहाँ इस देश की सरकारों से शोषित हैं, वो शोषित वर्ग सारा का सारा पूरे देश से चल के रामलीला मैदान में इकट्ठा होने जा रहे हैं। एक भ्रांति और है, मैं दूर करना चाहता हूँ, कि जैसे कहा जाता है कि जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वो वक्फ करी गई मुसलमानों के जरिए, और वो उसका जैसे डॉक्टर हमारे शाहिद साहब ने बताया कि उसका मकसद ये है कि उसकी सामाजिक सेवा हो, उसका मकसद है धार्मिक सेवा हो, उसका मकसद है एवरी इंडियंस को जो भी बचिंदे सबको सेवा हो, तो उनकी अगर प्रॉपर्टी आँखी जाए तो आज की डेट में मोटा मोटा 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी आँखी गई है। लेकिन वो 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी को ये बोला गया कि हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी सबसे कब्जा कर लिया। अगर आप एक एग्जाम्पल रखें कि और जो हमारे मठ और मंदिर हैं, एक तिरुपति मंदिर का ही एग्जाम्पल दें कि उसकी खुद अकेली की जो प्रॉपर्टी है वो 3,00,00,000 है, ऐसे हमारे सैकड़ों मठ और वो हैं। 1,00,00,000 आपने बताया क्या? 1,00,00,000 1,20,00,00,000 जो है हमारी प्रॉपर्टी की, 1,20,00,00,000 प्रॉपर्टी की जो है प्रॉपर्टी कीमत है। तो वो कीमत के अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो खाली एक तिरुपति मंदिर की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है और जो उसकी मठ की वो है वो 3,00,00,000 है। तो ऐसे हमारे बहुत मठ हैं, बहुत मंदिर हैं। एक हमने एग्जाम्पल दिया, हम कंपैरिजन ये करना चाह रहे हैं कि जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो गलत है, और वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो सिर्फ समाज के लिए और देश के लिए और देश के हित के लिए, इसलिए उसका जो निज़ाम है वो निज़ाम मुसलमानों के पास है और बहुत अच्छा निज़ाम है, जो पहला निज़ाम है बहुत अच्छा है, उसको चलने दिया जाए, उसको इंटरफेयर नहीं किया जाए। मुसलमान इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी सरकारी तंत्र का हाथ हो।
अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ से आपके माध्यम से, एक भ्रांति और फैलाई जाती है कि वक्फ बोर्ड वाले या वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो उसकी हो जाती है। ये भी भ्रांति फैलाई जाती है कि बहुत सारे हिंदुओं की ज़मीन उसने हड़प ली, मंदिरों की ज़मीन हड़प ली। देखिए मैं यहाँ पर आपके माध्यम से इस भ्रांति को क्लियर करना चाहता हूँ। दफ़ा 37 है वक्फ एक्ट की 1995 की, वक्फ एक्ट बना 1954 पे, उसमें 12वां अमेंडमेंट हुए 1995 की, जो वक्फ एक्ट है उसकी दफ़ा 37 के मुताबिक क्या है वक्फ को प्रॉपर्टी करने का तरीका, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह झूठ फैलाया गया। मैं अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, शाहिद अली किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और वो शाहिद अली उस प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो वक्फ डीड बनाएगा जैसे बैनामा होता है। आप प्रॉपर्टी बेचते हो ना, किसी को बैनामा होता है, तो वो बैनामा करके यानी वक्फ डीड बना के वक्फ बोर्ड के पास जाऊंगा, कहूंगा भाई मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैं आपको ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, अल्लाह ताला को गिफ्ट करना चाहता हूं। फिर वक्फ बोर्ड वाले उस प्रॉपर्टी की डिटेल भेजेंगे उस संबंधित ज़िले को जहाँ मेरी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसके DM को और उसके तहसीलदार को, उसके कानूनगो को, वहाँ से रिपोर्ट मांगेंगे कि शाहिद साहब इस प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहते हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए अपने मालिकाना हक के, क्या ये मालिक है इस प्रॉपर्टी के, आप वहाँ से तस्दीक करके बताइए। फिर वो वहाँ से अपनी रिपोर्ट देंगे तस्दीक करके, वेरिफिकेशन करके, जब वो कह देंगे हाँ साहब ये मालिक हैं, तब जाके वो प्रॉपर्टी वक्फ होगी। और भ्रांति क्या फैलाई गई है कि जिस पर चाहते उस पर हाथ रख देती, ये आप लोग ज़रा उठाइए इस चीज़ को कि कैसा जुल्म कर रहे हो भाई आप मज़हब के बिना पर इन लोगों के साथ। इन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद करवाने के लिए। मिसाल के लिए सिर्फ एक वाक्या काफ़ी है कि एक दिन में लेकर के आपके सहारनपुर से और लाहौर तक हर पेड़ के ऊपर उलेमाओं की लाशें टंगी हुई थी। एक दिन के अंदर 153,000 उलेमाओं को शहीद किया था अंग्रेज़ों ने इस देश की आज़ादी के लिए। उन लोगों के साथ में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि आप कुछ भी कह देते हो और आपकी मीडिया आपके नैरेटिव को चलाने लगती है बिना तस्दीक करे हुए। फर्क तो ये है कि साहब बिना गवर्नमेंट के जब तक तस्दीक होकर नहीं आ जाएगी, यानी कि DM गवर्नमेंट का आदमी, तहसीलदार गवर्नमेंट का आदमी, कानून को गवर्नमेंट का आदमी, वो तस्दीक कर देंगे हाँ साहब शाहिद साहब मालिक है इस प्रॉपर्टी के, आप इसमें कर सकते हैं वक्फ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तब जाके वो वक्फ होती है। फैलाया जाता है कि साहब जिस प्रॉपर्टी को चाहती अपनी को कहती है मालिक है। तो जरा प्लीज़ इसको भी लोगों के पास तक पहुँचाइए और कहिए लोगों से कि 1 दिसंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रामलीला मैदान में पहुँचें, मुसलमान के साथ में दलित, दलित के साथ में मुसलमान, इन दोनों के साथ में आदिवासी OBC, क्योंकि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये वक्फ को बचाने की लड़ाई है, ये रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई है, निजीकरण के ख़िलाफ़ है, ये AVM को हटाने की लड़ाई है, ये इसलिए आप सब लोग आएँ उसमें 1 तारीख को। बहुत शुक्रिया आप लोग आए।